अस्सलामुअलैकुम द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस क्लास 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 द टॉपिक इज़ मोर अबाउट पेंट लेक्चर नंबर 10। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एमएस पेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एमएस पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट आज मैं थोड़ा सा फिर आपको बताती चलूँ कि पेंट इज़ अ वेरी सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम। Do you remember what you learned about paint in class 2? जैसे कि आपने class 2 में भी MS Paint के बारे में पढ़ा होगा, आज हम उसके बारे में मज़ीद इसके functions के बारे में पढ़ेंगे। In this chapter you will learn more about the paint and its commands. So today we topic about start the skewer drawing. Skew command basically किसी भी drawing में twist form के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम किसी भी ड्राइंग को ट्विस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली कर रहे हों या वर्टिकली, ये हमारी चॉइस होती है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स, और आपने इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने पिक्चर को स्क्यू फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहला स्टेप है क्लिक द होम टैब। लेट्स सपोज आपने एक पिक्चर ड्रॉ की है, और आपने फिर पिक्चर ड्रॉ करने के बाद होम टैब पे जाना है। होम टैब पे नंबर 2 क्लिक द सेलेक्ट ऑप्शन एंड ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द ड्राइंग। आपने उस एरिया को सेलेक्ट करना है पॉइंटर की हेल्प से, माउस पॉइंटर से उसको ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब होता है सेलेक्ट करना, यानी जितना पोर्शन आप ड्राइंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नंबर 3 इन द इमेज ग्रुप क्लिक द रीसाइज ऑप्शन। अब वहाँ पर ऑप्शन आएगा इमेज ग्रुप में रीसाइज ऑप्शन। जैसे ही आप रीसाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको रीसाइज के पॉइंट शो हो जाएंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करवाती हूँ। उसके बाद है द रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अवेयर। इन द स्क्यू एरिया टाइप द अमाउंट इन डिग्रीज बाय विच यू स्क्यू द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप चेंज करना चाहते हैं या वर्टिकली, आप स्क्यू रीसाइज ऑप्शन में जाके स्क्यू डायग्राम में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्क्यू बेसिकली आपकी पिक्चर की डिग्रीज को, उसके एंगल को चेंज कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पॉइंट्स में बताती चलूँ। नंबर 1 पॉइंट जैसे कि है, आपने सेलेक्ट करना है क्लिक द होम टैब, ये देखें। उसके बाद आपने जाना है ड्राइंग एरिया में, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है क्लिक रीसाइज, और फिर नंबर 4 ऑप्शन में आ जाएगा द रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे कि आप स्क्यू रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स नज़र आएगा। इस बॉक्स की हेल्प से आप जो है इसका साइज, इसको हॉरिजॉन्टली आप कितना चाह रहे हैं और वर्टिकली आप इसको यहाँ से इसके जो नंबर हैं इसको डिग्रीज चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखें आपको पिक्चर में ये सिंपल एक बास्केट जो है, फूड बास्केट शो हो रही है। जैसे कि ये पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैंने इसका एंगल चेंज किया। अब चेंज करने के बाद देखें ये बास्केट की पोजीशन अभी क्या है, और आफ्टर हॉरिजॉन्टली स्क्यूड ड्राइंग इसकी पिक्चर का जो है, जो इसका इमेज है वो इस तरह हो जाएगा। बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने हॉरिजॉन्टली चेंजिंग की है, तो ये आपको बास्केट में चेंजिंग नज़र आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट है सेट ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जी अक्सर आप देखते हैं कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे पिक्चर्स स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से भी कुछ फ्लावर्स की या आप अपनी भी पिक्चर्स वगैरह सेट करते हैं। इसी तरह ही डेस्कटॉप पे आप कोई किसी भी इमेज को भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई ड्राइंग की है MS पेंट पे या टक्स पेंट पे, तो आप उसको स्क्रीन पे जो है फर्स्ट स्क्रीन पे लाना चाह रहे हैं, तब अपनी ये आपकी चॉइस है, आप उसको सेट कर सकते हैं। बट आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बैकग्राउंड पिक्चर सेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। क्लिक द पेंट बटन एंड देन पॉइंट टू सेट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सबसे पहले आपने पेंट बटन पे सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपने बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, उसमें से अगर आप कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू फ्रेश पिक्चर बना के डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 3 ऑप्शंस। अब उसमें 3 ऑप्शन आते हैं कि आप फिल चाह रहे हैं टाइल और सेंटर के। आप पिक्चर या तो एक इमेज के साइज़ को जो है आप देखते हैं कि ये पिक्चर जैसे कि आपको बटरफ्लाई की शो हो रही है, तो या तो आप इस पिक्चर को सेंटर पे लाना चाह रहे हैं या यानी फुल व्यू देना चाह रहे हैं, या सेंटर में लाना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको टाइल व्यू दे रहे हैं। ये आपको 2 व्यू शो हो रहे हैं। ये नंबर 1 जो है ये फिल व्यू है, और सेकेंड 1 क्या है,
सेंटर व्यू है, ठीक है। अगर आप टाइल फॉर्म में लेकर आएंगे तो देखें आपको टाइल फॉर्म में इस तरह बहुत सारी बटरफ्लाइज शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फुल स्क्रीन व्यू। अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँ। अगर लेट्स सपोज आपने फुल स्क्रीन व्यू चाहना है, ठीक है, अगर आप लेट्स फुल स्क्रीन का व्यू चाहते हैं तो वो किस तरह आप देखेंगे एमएस पेंट पे। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, दी स्टेप्स टू ड्राइंग इन द स्क्रीन आर्ट। नंबर वन स्टेप है क्लिक द व्यू टैब, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा था 2.17 में कि एक बास्केट जो है वो ड्रॉ हुई हुई थी। उसके बाद इन द डिस्प्ले ग्रुप क्लिक फुल स्क्रीन। उसके बाद आपने नंबर वन ऑप्शन में आपने व्यू टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फुल स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से आप उसका जितना भी व्यू चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप जूम इन से उसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप जूम इन से उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। द टू एग्जिट द फुल स्क्रीन एंड गो बैक टू पेंट विंडो क्लिक द ड्राइंग, ठीक है। बहुत ईजी ऑप्शन है ये, देखें जैसे कि आपको ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। नंबर वन पे लिखा हुआ है क्लिक व्यू टैब, आपने व्यू टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे कि फुल स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी जूम इन, जूम आउट और 100%, ठीक है। ये अब आपकी चॉइस है, आप उसको उसका साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चॉइस है, इसमें फॉर्मेशन जितनी भी हम चाहें आप अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी एक्टिविटी है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे जूम इन और जूम आउट। अब जूम इन का मतलब है कि आप लेट्स सपोज आपने कोई भी इमेज ड्रॉ की है तो आप उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। जो प्लस का साइन होता है बेसिकली वो इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो जूम आउट का मायने है वो ये है कि आप उस पिक्चर के साइज़ को डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं या उसके साइज़ को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन आर लार्जर और स्मॉलर व्यू ऑफ योर इमेज, ठीक है। ये हमारी चॉइस होती है, स्टूडेंट्स की चॉइस है, यूजर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इमेज का साइज़ चाह रहे हैं। टू सी अ लार्जर व्यू क्लिक फर्स्ट द व्यू टैब देन इन जूम ग्रुप क्लिक जूम इन, ठीक है। जैसे कि आप जूम इन पे क्लिक करेंगे तो साइज़ आपका पिक्चर का इंक्रीज़ हो जाएगा। टू सी अ स्मॉलर व्यू, अगर आप स्मॉलर व्यू चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप जूम आउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप 100% चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो टू द एक्चुअल साइज, जो पिक्चर का एक्चुअल साइज़ होगा वो आपको फुल स्क्रीन पे फुल व्यू शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको भी लास्ट पिक्चर में दिखाया है कि आप फुल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको उस पिक्चर का फुल स्क्रीन व्यू शो हो जाएगा। ये अब आपका प्रैक्टिस टाइम है स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से समझें। आपने करना क्या है, आप सब ने अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे कौन की पिक्चर ड्रॉ की है तो आप अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स, अगर आपने कौन की पिक्चर भी ड्रॉ करनी है आप आइसक्रीम की कर सकते हैं। लेकिन आपने इन पैटर्न को फॉलो करना है कि एक तो आपने इसका ड्राइंग का साइज़ चेंज करना है, ठीक है, 50%। उसके बाद आपने स्क्यूइट करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है 60 डिग्रीज पे। और उसके बाद आपने उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे भी लेकर आना है। बहुत इजी है, जैसे कि ये कोन ड्रॉ की है, इस कोन को ड्रॉ करने के बाद आपने इसका साइज़ चेंज करना है, इसका डिग्री, इसका स्क्यू एंगल चेंज करना है और उसके बाद आपने इसका फुल स्क्रीन व्यू भी करना है, ठीक है। बहुत इजी है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स और आपने खुद से घर में ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इट्स वेरी इजी। Thank you.